हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3A क्लास 7 ICSE बोर्ड, जो कि सेलिना पब्लिशर की बुक है जिसके राइटर हैं आरके वंसल। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देख सकते हैं। टॉपिक है फ्रैक्शन और इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सब इंट्रोडक्शन बेस पर हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई ईच फ्रैक्शन गिविन बिलो एज डेसिमल और वल्गर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। हमें बताना है कि किस टाइप का फ्रैक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/5, तो 3/5 क्या है, इसका नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर ये क्या है, इम्प्रॉपर है ना, तो इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और साथ ही साथ ये कैसा फ्रैक्शन और हो सकता है, वल्गर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, अदर देन 10, 100, 1000, यानी 10 की पावर में हो, है ना। तो ये साथ ही साथ वल्गर फ्रैक्शन में, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10, 100 कुछ नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 3/5 इज बल्गर एंड, क्योंकि इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा है तो कैसा है, प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बल्गर भी होगा और प्रॉपर भी होगा। सेकंड, 11/10। अब पहले देखें, नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो क्या हुआ, इम्प्रॉपर इज एन इम्प्रॉपर, और अपॉन में 10 है तो डेसिमल भी है एंड डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। ये हम सब इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेंगे। अगर अपॉन में 10, 100, 1000 हो तो डेसिमल फ्रैक्शन होता है। और इम्प्रॉपर क्यों, क्योंकि नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्योंकि नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है तो ये इम्प्रॉपर भी है। थर्ड अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। 13/20, तो ये तो हमें दिख रहा है कि इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ना। 13 ते क्या हुआ, प्रॉपर तो हुआ। अब देखने में लग रहा है ये 10 की पावर से अलग है, 20 है तो ये क्या होना चाहिए, वल्गर। लेकिन हम इसको देखो अलग से, मैं आपको समझाऊं, नीचे समझा देता हूं। चलो देखो, 13 में अगर मैं 5 से मल्टीपल नोमिनेटर में कर दूं और 5 से मल्टीपल में डिनोमिनेटर कर दूं तो क्या हो गया, 65/100 आ गया अपन में। अब ये इसका इक्विवेलेंट है, यानी कि अपन का 100 है और 100 वाला कैसा था, डेसिमल, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर एंड डेसिमल, सॉरी प्रॉपर। प्रॉपर क्यों, क्योंकि नोमिनेटर छोटा है, तो लिख दोगे इज अ डेसिमल, पहला कोई सा भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं कि आपको पहले इम्प्रॉपर लेके डेसिमल की प्रॉपर लेके, है ना। और ये कैसा है, नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, 13 की वैल्यू 20 से छोटी होती है, अब कैसे फ्रैक्शन कहलाते हैं जिसका नोमिनेटर छोटा हो, प्रॉपर। तो इज अ डेसिमल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ फोर्थ पार्ट हिंग कर देता हूं, है ना, क्यों पेज वेस्ट करें वही। 18/7, तो 18/7, 18 क्या है, 7 से बड़ा, ग्रेटर है ना, नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो कैसा ये, इम्प्रॉपर। और अपॉन में 10, 100 कुछ नहीं है तो ये डेसिमल भी नहीं है, यानी कि क्या है दूसरे शब्द में, वल्गर। तो जो ऊपर था वो हो गया इम्प्रॉपर एंड वल्गर, इज एन इम्प्रॉपर एंड वल्गर फ्रैक्शन। ओके, दोबारा समझ में आ गया, तो समझो, क्योंकि ये नहीं कि एक ही होगा, 18/7 है तो 18 की वैल्यू क्या है, 7 से बड़ी, यानी कि नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये कैसा होगा, इम्प्रॉपर होगा। और नीचे 10 और 10 के मल्टीपल में नहीं है तो ये वल्गर भी होगा। नाउ लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 3/2/9, ये तो बहुत ईजी होता है ना, पता ना, बताओ सबने सही बताया, मिक्स फ्रैक्शन, इज अ मिक्स फ्रैक्शन, इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इतना ही करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, एंड द क्वेश्चन टू है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन। इसमें हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक मैं समझा देता हूँ। क्या करते हैं, फाइव का डिवाइड डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमिनेटर में देंगे। फाइव थ्री जा 15, रिमाइंडर क्या आया 3। तो जो क्वेश्चन होता है वो होल में आता है 3 एंड जिसे बोलते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर न्यूमिनेटर की जगह, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से वो अपॉन में। तो 18 अपॉन 5 क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको जब हमने मिक्स फॉर्म में लिखा तो क्या गया, 3 एंड 3 अपॉन 5। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज 7 अपॉन 4। 4 का डिवाइड 7 में 1 टाइम जाएगा, 4 वन जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 7 में से 4 गया तो 3। चलो मैं आपको चेक करा देता हूँ, 4 वन जा 4 तो 1 एंड 3 अपॉन 4, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म, इसका रिवर्स भी आता है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रिवर्स कराएगा। थर्ड पार्ट में हमें 25 अपॉन 6 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। लिखें 6 4 जा 24 रिमाइंडर 1, ठीक क्या हो जाएगा, 4 एंड 1 अपॉन 6। जो क्वेश्चन है यहाँ, जो रिमाइंडर है वो ऊपर, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिवाइजर हमेशा अपॉन में होगा। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इज 38 अपॉन 5। लिखें तो क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, रिमाइंडर क्या आया 3। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी, आप ओरली जैसे मैंने करा है कर सकते हैं, तो ओरली डायरेक्ट कर देना, गलत नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर शो कर दो, गलत नहीं होना चाहिए। नाउ लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 22 अपॉन 5, क्या होगा, 5 4 जा 20, रिमाइंडर आया 2। दिया, चलो एक और शो कर दूँ, कहोगे नहीं सर ओरल करते आ रहे हैं। 5 का डिवाइड 22 में, 5 4 जा 20, 22 में से 20 सबट्रैक्ट करें 2 इज रिमाइंडर, तो क्या हो गया, 4 एंड 2 अपॉन 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2 कंप्लीट हुआ, 3 इसका रिवर्स है, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। क्वेश्चन 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है 2 एंड 4 अपॉन 9, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, 9 का मल्टीपल करते हैं 2 में, समझा देता हूँ, 2 into 9, 9 का मल्टीपल 2 में, प्लस जो भी कुछ नोमिनेटर है क्या है, 4 अपॉन 9, तो ये किसके इक्वल हो गया, 9 2 जा 18, 18 plus 4 22 अपॉन 9 के इक्वल हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन किसके इक्वल है, 22 अपॉन 9। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये कुछ रूल नहीं लिखना है, कैसे, 9 2 जा 18 जानते हैं, 18 plus 4 22 अपॉन 9। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, 7 and 5 upon 13, तो क्या करेंगे, 7 में मल्टीपल 13 से प्लस 5, 17 3 जा 91, 91 और 5 96 upon 13। तो इस मिस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 96 upon 13। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज 3 and 1 by 4, तो क्या करते हैं, इस 4 का मल्टीपल 3 में, तो 3 into 4 प्लस ऊपर न्यूमिनेटर क्या है, 1 upon 4, तो क्या हो गया, 3 4 जा 12, 12 plus 1 13 upon 4, इतने इजी इजी क्वेश्चन है। ना फोर्थ पार्ट, 2 and 5 upon 48, तो क्या होगा, 2 में मल्टीपल 48 का होगा प्लस 5 अपॉन 48, तो कितना हो गया, 48 2 जा 96, 96 plus 5 101 upon 48। इट इज द फॉर्म, किसकी फॉर्म है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, किसकी, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा तो आंसर आ गया 101 upon 48, है ना। नाउ फिफ्थ पार्ट, 12 and 7 upon 11, तो क्या जाएगा, 12 into 11, 11 का मल्टीपल 12 में करा प्लस 7 upon 11, 12 into 11 132 132 और 7 139 upon 11, इट इज द इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ 12 and 7 upon 11।
Now question number 4. Question number 4 है reduce the given fraction to lowest form. Lowest form लिखनी है किसकी? इसमें भी कई सारे parts हैं. First part 8/18. आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 से काट दिया 4/9 हो गई. मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. हमने क्या करा, 2 से डिवाइड न्यूमिनेटर में और 2 से डिवाइड डिनोमिनेटर में करा. तो 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स और 2 से 18 कैंसिल हो गया 9 टाइम्स. तो 4/9 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 8/18. नाउ सेकेंड 27/36. ये किससे कैंसिल हो रहा है? 9 से हो रहा है. 9 3 या 9 4 जा डायरेक्ट लिख सकते हो. कैसे? 9 3 जा 9 4 जा. तो 3/4 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 27/36. फिर है 8/42. ये 6 से डिवीजन हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है. तो मैंने 6 से डिवाइड करा न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में. 6 3 जा 6 7 जा. तो 3/7 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 18/42. नाउ फोर्थ पार्ट 35/75. तो इसमें किससे डिवाइड करें हम? बोथ आर डिविजिबल बाई 5. तो 5 से डिवाइड करा. 5 7 जा 5 से देखें 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25. तो 7/15 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 35/75. ये इक्विवेलेंट भी कहलाते हैं. ये दोनों आपस में क्या इक्विवेलेंट हैं. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का. एंड द फिफ्थ पार्ट इज फाइंड द लोएस्ट फॉर्म 18/45. किससे डिवाइड होता है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों 9 से डिविजिबल हैं. तो 9 से डिवाइड कर दो. 9 का 18 में डिवाइड करा तो 9 2 जा 18 है ना, और 9 का 45 में 9 5 जा 45. तो 2/5 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 18/45. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स. हमें ट्रू और फॉल्स बताना है. जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो ट्रू है कि फॉल्स. हमें ये दे रखा है पहले में 30/40 एंड 12/16 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब कैसे पता करेंगे ये ट्रू है कि फॉल्स? क्या करें? दोनों की लोएस्ट फॉर्म निकालो. अभी दिखाया. अगर लोएस्ट फॉर्म दोनों की सेम आती है तब तो ये इक्विवेलेंट होता है. इक्विवेलेंट होते हैं तब तो ये इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. तो देखो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हुई, 0 से 0 कैंसिल हो गया. ये तो आपको कहीं पर रब करना है, मतलब 2 फॉल्स में खाली. तो 3/4 है. इसमें क्या करा हमने? 4 से डिवाइड करा. देखो 12 में मैंने 4 से डिवाइड करा, ये रब काम है, आपको भी रब ही करना है. तो क्या है? 4 3 जा और 4 4 जा. देखो 3/4 3/4 दोनों सही है, दोनों सेम है. तो यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट में हमें दे रखा है 10/25 एंड 25/10 आर इक्विवेलेंट. ये तो यही दिखाई दे रहा है, इक्वल ही नहीं है. रिवर्स कर दिया तो इक्वल आएंगे. एक ही केस में आ सकते थे, कैंसिल होके बना रहा हो है ना, ये आएगा नहीं. कैसे? देखो 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 2 जा 2/5 5/2 दोनों इक्वल नहीं है. तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है. समझ में आ गया? ये कह रहा था कि 10/25 एंड 25/10 आर इक्विवेलेंट. ये दिख गया साफ साफ नहीं है, तो इट इज फॉल्स. ओके, नाउ थर्ड पार्ट हिंट कर दे रहे हैं. इसमें 3 फ्रैक्शन दे रहे हैं. पहला दे रखा है 35/49. सेकंड, बल्कि 4 दे रखे हैं, 20/28. नेक्स्ट 45/63 और लास्ट वन इज 100/140 आर इक्विवेलेंट. हमें ये बताना है कि ये चारों इक्विवेलेंट हैं, मतलब ये दे रखा है. तो हमें ट्रू फॉल्स में आंसर देना है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये फॉल्स है. कैसे निकालेंगे चेक करें. सिंपलेस्ट फॉर्म देखें. देखो 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 5 जा 7 7 जा. तो 5/4 आया,
सॉरी 5/7 ये 4 है, 4 5 4 7 ये भी 5/7 अभी तक तो 2 बैठ रहा है, ये 9 है, 9 5 45 9 7 63 ये भी 5/7 अभी तक तो भी ट्रू है। लास्ट वाला आ जाए किसी तरह से, 0 से 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल करें, 2 5 2 7 जा 5/7 5/7 5/7 and 5/7 सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म 5/7 है, सो इट इज ट्रू, ऑल आर इक्विवेलेंट, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें 8 पार्ट, हमें ये बताना है कौन सा सिंपल फ्रैक्शन है और कौन सा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। सिंपल फ्रैक्शन क्या होते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर होल नंबर, न्यूमिनेटर और दोनों होल नंबर हो तो वो कहलाते हैं सिंपल फ्रैक्शन। लेकिन ये ध्यान रखूंगा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसका एक या तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में एक तो होल नंबर है, हो सकता है न्यूमिनेटर फ्रैक्शन हो तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो न्यूमिनेटर होल नंबर हो तो फ्रैक्शन, या हो सकता है दोनों के दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर फ्रैक्शन तो वो कॉम्प्लेक्स है। अभी हम एग्जांपल करेंगे, जो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। 0/8, 0 क्या है होल नंबर, डिनोमिनेटर 8 इट इज आल्सो अ होल नंबर, तो होल नंबर अपॉन होल नंबर की फॉर्म है तो क्या होगा, इज अ सिंपल फ्रैक्शन, ये एक सिंपल फ्रैक्शन है। सेकेंड पार्ट 3/8, समझ में आ गया शायद, 3 भी होल नंबर 8 भी होल नंबर तो ये होगा सिंपल फ्रैक्शन, इज अ सिंपल फ्रैक्शन। थर्ड पार्ट 5/7, 5 भी होल नंबर न्यूमिनेटर होल नंबर है, अपॉन 7 यानी कि डिनोमिनेटर भी होल नंबर है, बोथ आर होल नंबर तो ये भी कैसा है, एक सिंपल फ्रैक्शन है, तो इज अ सिंपल फ्रैक्शन, सारे के सारे सिंपल दे रखे हैं तीनों। फोर्थ, चलिए फोर्थ आ गया, 3/3/5 न्यूमिनेटर में तो ये दे रखा है, अपॉन 18 तो न्यूमिनेटर क्या है फ्रैक्शन, कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, कैसा भी फ्रैक्शन हो उससे कोई फर्क नहीं है, अगर दोनों में से एक में भी फ्रैक्शन दे रखा है तो वो क्या होगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो ये नीचे क्या है यानी कि डिनोमिनेटर होल नंबर है तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें एक फ्रैक्शन मिल गया तो ये कैसा फ्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। नाउ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट भी इसी तरह देखा, यहां उल्टा रिवर्स है, न्यूमिनेटर तो होल नंबर देखा 6 अपॉन में मिक्स फ्रैक्शन दे रखा 2 and 2/5 तो एक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में और एक होल नंबर है तो क्या होगा कॉम्प्लेक्स, इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। नाउ सिक्स पार्ट 3 and 1/3 क्या है मिक्स फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में अपॉन 7 and 2/7 और नीचे भी क्या है मिक्स फ्रैक्शन, इसमें दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ है मिक्स फ्रैक्शन तो क्या हो गया ये, समझ में आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इज अ कॉम्प्लेक्स, अगर दोनों होल नंबर होते हैं तभी सिंपल फ्रैक्शन होता है, अदरवाइज एक भी फ्रैक्शन है न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर तो होगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। नाउ सेवेंथ पार्ट, इन सेवन पार्ट क्वेश्चन इज 5 and 2/9 क्या है ये मिक्स फ्रैक्शन अपॉन 5 अपॉन में क्या है होल नंबर, लेकिन एक फ्रैक्शन आ गया कैसा भी हो चाहे मिक्स हो प्रॉपर इम्प्रॉपर उससे कोई फर्क नहीं है और एक होल नंबर, एक भी अगर फ्रैक्शन है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से तो वो हमेशा क्या होगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ओके नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, इसो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 8/0 होल नंबर है, ये भी होल नंबर है तो क्या हो गया इज अ सिंपल फ्रैक्शन, है ना,
नहीं है ना, ध्यान रखना, ये विशेष ध्यान रखना, जीरो अगर अपॉन में आ जाए तो ये कैसा भी फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। मैथ में ये अनडिफाइंड फॉर्म बोली जाती है, जीरो बटे जीरो, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइड इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर जीरो है, जीरो की पावर इन्फिनिटी, ये सब अनडिफाइंड फॉर्म होती हैं। तो ये क्या है, नाइदर, ऐसे लिख दो, नाइदर सिंपल नॉर, कोई सा भी नहीं है, नॉर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते, इट इज अनडिफाइंड फॉर्म। ओके, तो ये क्या हुआ, नाइदर सिंपल नॉर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ये आर एम एन बस में नॉर, तो जानते हो नॉर किस में, तो जानते हो, नाइदर सिंपल नॉर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो ये एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हुई, इसका इंट्रोडक्शन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी देख लें पहले, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम 3B सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको हमारे चैनल पर ICSE की पूरी सॉल्यूशन मिलेगा, सेलिना पब्लिशर का, उसके बाद हम ML खन्ना की बुक को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल पर CBSE का तो 6 to 8 तक की सारी बुक कंप्लीट हो चुकी है, 9th की चल रही है ना, तो अगर आपके फ्रेंड्स CBSE बोर्ड में, तो आप अपने चैनल के बारे में बता सकते हैं, सॉरी चैनल के बारे में, बुक सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट हो किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो मैं उसको सॉल्व करके दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा, या आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उस पर वीडियो बना के उसे अपलोड कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।